नमस्कार, कीर्तिस किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल कीर्तिस किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। धन्यवाद। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूजफुल रेसिपी टिप्स के साथ, कंडेंस्ड मिल्क। घर पे ये कंडेंस्ड मिल्क बनाना बहुत इजी है। हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे स्वीट्स, डेजर्ट्स, केक्स, आइसक्रीम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। सबसे पहले हम एक हेवी बटम पैन में डालेंगे 2 कप दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लो फैट या हेवी फैट मिल्क ले सकते हैं। टेस्ट में या कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब थोड़ा सा इसे चला देंगे ताकि नीचे ना लग जाए। इसको हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी को अच्छे से मिला देंगे। दूध और चीनी को एक साथ पकाना है। इसे लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। इसको रिड्यूस करना है 1/2 से भी बहुत कम। आप देखेंगे धीरे धीरे चीनी मेल्ट होती जाएगी और दूध का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। चीनी हम पहले से डाल देते हैं क्योंकि जो कंडेंस मिल्क है एक क्रीमी टेक्सचर आता है, वो इसकी वजह से आता है। इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ कंटिन्यूसली हिलाते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दूध नीचे से जल जाएगा। आप साइड से स्क्रैप करते जाइए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कंडेंस मिल्क में जो एक लेयर आए तो आप इसे कंटिन्यूसली ऐसे साइड से भी स्क्रैप करते जाइए। अब आप देखेंगे कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। अब ये थोड़ा सा लाइट येलो क्रीम कलर जैसा दिख रहा है। जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे ये कलर और भी गाढ़ा होता जाएगा। हमारा मिल्क अब 1/2 से भी कम हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से आप देखेंगे एकदम से बबल्स आना शुरू हो जाएगा। ये आपके कंडेंस मिल्क एक क्रीमी टेक्सचर देगा और इसको थिक बनाने के लिए हेल्प करता है। इस पॉइंट पे आप इसे लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है वरना आपका कंडेंस मिल्क चिपक सकता है। 4 से 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ध्यान रखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। कंडेंस मिल्क ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है। ये देखिए, ये हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है। अभी इसका बहुत प्यारा कलर आ चुका है, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। इसे अब एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको स्वीट्स, केक्स या कोई भी डेजर्ट्स बनाना हो तो इसे यूज़ करें और एंजॉय करें। बहुत आसानी से ये कंडेंस मिल्क आप घर पे बना सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात, मिल्क को हाई फ्लेम पे जब कुक करें तो लगातार हिलाते रहें ताकि नीचे से ये चिपके ना। दूसरी बात, आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लो फैट या हाई फैट मिल्क। टेस्ट में या कंसिस्टेंसी में कुछ फ़र्क नहीं आता है। और एक चीज़ है कि आप ओवर कुक ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद कंडेंस मिल्क थोड़ा और ठीक हो जाता है। इस 3 चीज़ों का ध्यान रखिए और आसानी से घर पे कंडेंस मिल्क बनाइए। मुझे कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।